वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी फिफ्टी के बारे में। आज है 9 फरवरी, तो आप देख सकते हो निफ्टी फिफ्टी जो 21,780 के आसपास की क्लोजिंग दिया है। 64 पॉइंट्स की आज तेजी थी, 0.30% की तेजी थी। बात करते हैं पोर्टफोलियो की। इन्वेस्टेड वैल्यू की 1,39,492 का है। करंट वैल्यू देख सकते हो 1,38,901 का है। टोटल रिटर्न की बात करते तो -590 रुपीज़ के नेगेटिव रिटर्न से 0.42% की गिरावट है। और आज के एक दिन के रिटर्न की बात करते हैं तो 255 रुपये डाउन है, 0.18% की गिरावट है। पावर ग्रिड इंफ्रा की बात करते हैं यहाँ पे 562 रुपीज़ डाउन है, 1.24% की गिरावट है। एंजल वन की बात करते हैं सिर्फ 40 रुपये पॉजिटिव है, 0.17% की तेजी है। पॉलीकैब इंडिया की बात करते हैं 861 रुपीज़ की तेजी है, 7% के आसपास की तेजी है। HDFC लाइफ की बात करते हैं 720 रुपये डाउन है, 5.5% से भी ज़्यादा की गिरावट है। मेसल इंडिया की बात करते हैं यहाँ पे 358 रुपीज़ के नेगेटिव रिटर्न से 3.53% की गिरावट है। हिंदुस्तान यूनिलीवर में भी 378 रुपीज़ डाउन है, 3.76% की गिरावट है। राइट्स की बात करते हैं तो 2050 रुपये के आसपास की तेजी है, 35% की पॉजिटिव रिटर्न है। ITC की बात करते हैं 711 रुपये डाउन है, 9% की गिरावट है। और जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में 92 रुपीज़ डाउन है, 2% के आसपास की गिरावट है। HDFC बैंक की बात करते हैं तो 12% के आसपास डाउन है, 716 रुपये डाउन है। तो ये रहा पूरा पोर्टफोलियो का अपडेट, मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को तो बैठे किसी वीडियो से आपको मिलते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूँगा।